दोस्तों दुनिया के 71% हिस्से में सिर्फ पानी ही पानी है। जब 71% हिस्सा पानी से ढका है तो इस हिसाब से आप दुनिया में मौजूद बीचेस की संख्या का अनुमान भी लगा ही सकते हैं। दुनिया में हजारों बीचेस मौजूद हैं जहां हर साल लाखों लोग एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं। आप भी कई बीचेस पे गए होंगे और कई को इंटरनेट पे देखा भी होगा। अमूमन सभी बीचेस एक जैसे ही होते हैं, है ना? ये सच है कि लगभग सभी बीच एक जैसे ही होते हैं, बस कुछ खास फैसिलिटीज अवेलेबल कराकर उन्हें अलग बनाने की कोशिश की जाती है। अगर आप भी एक जैसे बीच देखकर बोर हो गए हैं तो फिर आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 ऐसे खास बीचेस के बारे में बताएंगे जो बाकी सभी बीचेस से बिल्कुल अलग और यूनिक हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे बीच भी होते हैं। तो चलिए फिर यूनिक बीचेस की सैर शुरू करते हैं। नंबर 10, योकुसर्लॉन बीच, आइसलैंड। बीच पर वही बोरिंग रेत देखकर बोर हो चुके तो फिर आपको आइसलैंड के योकुसर्लॉन बीच पे जाना चाहिए। वत्नायोकुल नेशनल पार्क में स्थित योकुसर्लॉन एक ग्लेशियर लेक है। इस लेक का निर्माण 1970 के आसपास ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण हुआ था। लगातार ग्लेशियर पिघलने के कारण आज ये लेक आइसलैंड का सबसे गहरा लेक बन चुका है। इस लेक के दूसरी तरफ डायमंड बीच है जो ब्लैक सैंड के साथ ही आइस क्यूब्स और क्रिस्टल्स के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। काली रेत पर सफेद बर्फ के टुकड़े और उस पर पड़ती सूरज की किरणें, इस लम्हे को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे बीच पर डायमंड्स की बारिश हो गई है। बीच पर बैठकर आइसबर्ग के टूटने और पानी में तैरते हुए आपस में टकराने से निकलने वाली आवाज सुनने में भी काफी सुकून मिलता है। बर्फ के अलावा यहाँ खूबसूरत पक्षी और सील्स भी देखने को मिलेंगे। नंबर 9, वाडो बीच, मालदीव्स। अगर आपको आसमान में तारे देखना पसंद है, जो सबको पसंद है, तो अब आसमान में चमकते तारे देखने के साथ ही समुद्र के चमकते तारे भी देखने के लिए तैयार हो जाइए। मालदीव के वाडो आइलैंड को सी ऑफ स्टार्स के नाम से भी जाना जाता है। दिन के समय में तो वाडो बीच नॉर्मली दिखाई देता है, लेकिन शाम ढलते ही यह दुनिया का सबसे खास बीच बन जाता है। इस बीच पर पानी को टच करते ही इससे चमकदार ब्लू रोशनी निकलती है। पहली बार में आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ये रियल है। पानी में जितनी हलचल पैदा होती है उतनी ज्यादा रोशनी इससे निकलती है। पानी में छोटा पत्थर फेंकने के बाद यह नजारा देखने लायक होता है। पानी में दूर तक ब्लू रोशनी फैल जाती है। साइंटिस्ट का कहना है कि नेचुरल फिनोमेना की वजह से यह रोशनी निकलती है। पानी में माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो हलचल होने पर रोशनी पैदा करते हैं। इस प्रोसेस को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। नंबर 8, रेड सैंड बीच, गैलापागोस, इक्वाडोर। साउथ अमेरिकन देश इक्वाडोर के गैलापागोस आइलैंड पर मौजूद लाल रेत वाला ये बीच हर साल हजारों टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस बीच की खासियत लाल रेत है। हालांकि लाल रेत के अलावा कई और चीजें हैं जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इस आइलैंड पर एक एक्टिव वोल्केनो हुआ करता था। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आइलैंड पे आयरन की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई, जिस वजह से रेत का रंग लाल हो गया। लाल रेत वाला ये बीच कई समुद्री जीवों का घर भी है। इंसानों से ज्यादा तादाद में यहाँ पर सी लायंस मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर खूबसूरत पक्षी फ्लेमिंगो और डार्विन्स फिंचेस भी पाए जाते हैं। इन सभी के अलावा यहाँ पर कई सारे पेड़ भी हैं। जंगल, जानवर, पक्षी और यूनिक बीच का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है रेड सैंड बीच। तो आप कब जा रहे हैं? नंबर 7, ग्रीन सैंड बीच, हवाई। अमेरिका के हवाई शहर के बिग आइलैंड पे मौजूद पापाकोलिया बीच अपने हरे रेत के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। जी हाँ, इस बीच पे मौजूद रेत हरे रंग का है, जिस वजह से इसे ग्रीन सैंड बीच का नाम दिया गया है। ये बीच 49,000 साल पुराना है। रेत का रंग हरा क्यों है, इस पर रिसर्च की गई। साइंटिस्ट ने बताया कि बिग आइलैंड पे एक ज्वालामुखी था। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले पत्थरों में ग्रीन क्रिस्टल्स पाया जाता था। ये ग्रीन क्रिस्टल्स धीरे धीरे रेत में मिक्स हो गए और इस तरह से हरे रेत वाले बीच का जन्म हुआ। ग्रीन के साथ कहीं कहीं पे ब्लैक और व्हाइट सैंड भी मौजूद है, जो इस तीन रंग वाले बीच को और खास बनाता है। हाल ही के दिनों में ये बीच काफी तेजी से पॉपुलर हो गया है। नंबर 6, ग्लास बीच, फ्लोरिडा। अब तक आपने जितने भी बीच देखे हैं वो सभी रेत से ही बने हुए हैं, लेकिन अब हम आपको एक ऐसे बीच के बारे में बताने जा रहे हैं जो रेत से नहीं बल्कि शीशे से बना हुआ है। इस बीच पे चारों ओर शीशे के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। ये अनोखा बीच अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में है। शीशे के टुकड़ों से ढके इस बीच की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ पर चारों ओर शीशे के रंग बिरंगे छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए हैं। ये बीच टूरिस्ट के अलावा ज्वेलरी डिजाइनर्स को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यहाँ मिले शीशे के टुकड़ों से खूबसूरत ज्वेलरी बनाई जाती है। पैदल चलने के लिए भी ये बीच बिल्कुल सेफ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये शीशे के टुकड़े नेचुरल नहीं है बल्कि कचरे से बने हुए हैं। 1906 से 1967 के दौरान यहाँ पे कचरे का ढेर हुआ करता था। खराब कार, बॉटल्स, घरेलू सामान और बैटरी यहाँ पे जमा किए जाते थे। 1967 में ये सब समुद्र में डाल दिया गया और कांच की बॉटल्स से खूबसूरत शीशे के टुकड़े बनाकर समुद्र ने इसे हमें वापस कर दिया। इस प्रोसेस में लगभग 30 साल का समय लगा।
हालांकि दुनिया में बाकी जगह समुद्र में कांच को खूबसूरत शीशे के टुकड़ों में बदलने की एबिलिटी नहीं होती, तो ग्लास बीच बनाने की चाहत में आप समुद्र को कचरों से मत भर देना। नंबर 5, ज्लाटनी रैट बीच क्रोएशिया। क्रोएशिया का ज्लाटनी रैट बीच यूरोप के सबसे मशहूर बीचेस में से एक है। अभी देखने पे तो ये आपको एक नॉर्मल बीच ही लगेगा, लेकिन जब आप इसी बीच को 2-3 साल बाद देखेंगे तो शायद आप इसे पहचान भी नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बीच अपना आकार बदलता रहता है, जैसे गिरगिट रंग बदलता है ना, वैसे ही। इस बीच की लंबाई लगभग 280 फीट है, हालांकि लंबाई में हमेशा बदलाव होते रहते हैं। मौसम में बदलाव और ओशियानिक करंट की वजह से हर 2-3 साल में इस बीच के आकार में बदलाव आ जाता है। बीच का पूर्वी हिस्सा स्ट्रॉन्ग विंड जूगो के कारण वेस्ट की ओर मुड़ जाता है। वेस्ट की ओर जाने के बाद ओशियानिक करंट की वजह से अगले 2-3 साल में बीच फिर से ईस्ट की ओर चला जाता है और फिर जूगो के कारण वेस्ट में चला जाता है। यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है। नंबर 4, कैथीड्रल बीच स्पेन। स्पेन का यह बीच बीच कम चट्टानों से बना प्राचीन शहर ज्यादा लगता है। इस बीच पर दर्जनों चट्टाने हैं, इनमें कुछ की ऊंचाई 90 फीट तक है। इन चट्टानों का आकार और आकृति देखकर ऐसा लगता है जैसे इंसानों ने अपने हाथों से इसे बनाया हो, लेकिन ये सभी नेचुरल फॉर्मेशन है। सभी चट्टान हाई ओशियानिक वेव के कारण अलग अलग शेप और साइज में बदल गए हैं। इस बीच को यूरोप का सेकेंड बेस्ट बीच माना जाता है। हर दिन यहाँ लगभग 5,000 टूरिस्ट आते हैं। हालांकि सिर्फ लो टाइड के समय ही इस बीच पे जाया जा सकता है। हाई टाइड में बीच पूरी तरह पानी में डूब जाता है। डाइवर्स हाई टाइड में भी इस बीच की सैर कर सकते हैं। नंबर 3, आंसोस दाजों बीच, सेचेलेस। ईस्ट अफ्रीकन देश सेचेलेस के आंसोस दाजों बीच को दुनिया का सबसे खूबसूरत बीच माना जाता है। अपनी नेचुरल ब्यूटी के कारण ये बीच पूरी दुनिया में मशहूर है। सफेद चमकीली रेत, क्लियर वाटर, ग्रेनाइट रॉक्स और पेड़ पौधे इस बीच की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। ग्रेनाइट रॉक्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे इंसानों ने बनाया हो। हाई टाइड के बाद जब वाटर लेवल नीचे आता है तब इन ग्रेनाइट रॉक्स की खूबसूरती और बढ़ जाती है। पानी में कछुआ और कई छोटी मछलियां भी देखने को मिल जाएंगे। इस बीच पे कई फिल्मों की शूटिंग भी की गई है। कभी फॉरेन ट्रिप का प्लान बना तो इस बीच पे आप जरूर जाइएगा। नंबर 2, स्टार सैंड बीच, जापान। जापान के स्टार सैंड बीच पे जब आप पहली बार जाएंगे तो आपको ये एक नॉर्मल बीच ही लगेगा, लेकिन जब आप रेत को गौर से देखेंगे तो आपको तारे जमीन पे देखेंगे। जी हाँ, जापान के इस बीच की रेत में आपको लाखों स्टार्स देखने को मिलेंगे। स्टार के शेप में ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फोरामिनिफेरा है। फोरामिनिफेरा के मरने के बाद इसका बॉडी शेल पानी के साथ बह के रेत में मिल जाता है। इस बीच पे फोरामिनिफेरा के बॉडी शेल की संख्या का अंदाजा आप ऐसी बात से लगा सकते हैं कि रेत में एक बार उंगली डालने पे आपकी उंगली पे सैकड़ों स्टार्स चिपक जाते हैं। अगर कभी इश्क में चांद तारे तोड़ने की बात हो तो तारे तो आपको स्टार सैंड बीच से मिल जाएंगे, चांद का आप खुद देख लेना। नंबर 1, हॉट वाटर बीच, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड यूनिक नेचुरल ब्यूटी के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। वैसे तो इस देश में कई खूबसूरत बीचेस हैं, लेकिन हॉट वाटर बीच दूसरे सभी बीचेस से बिल्कुल अलग है और यूनिक है। इस बीच की रेत से गर्म पानी निकलता है। रेत के खुदाई करके टूरिस्ट खुद का पूल बनाते हैं और फिर नेचुरल हॉट वाटर पूल में इस अनोखे बीच का मजा लेते हैं। इस बीच पे हर साल लगभग 7 लाख टूरिस्ट आते हैं। इस हॉट वाटर बीच के बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि कई मिलियन साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट के कारण गर्म पत्थर का एक स्लैब जमीन के अंदर चला गया और इसी गर्म पत्थर के कारण आज यहां गर्म पानी निकलता है। बंगाल सी केव बीच, पोर्चुगल। अगर आप एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां आपको साफ पानी, रेत और दुनिया की झंझटों से शांति मिले तो पोर्चुगल का बंगाल सी केव बीच आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। यहां के रॉक फॉर्मेशन से इतने अद्भुत हैं कि आपको देखकर यकीन नहीं होगा, और इनके बीच से दिखता आसमान इसे ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है मानो आप किसी दूसरे ग्रह पे आ गए हों। इन छेदों से अंदर आती हल्की धूप और नीचे समुद्र का साफ पानी आपको बहुत शांति देता है। दिलचस्प बात तो यह है कि यह पानी इतना गहरा भी नहीं है और यही कारण है कि आप इसमें नाव चला सकते हैं और इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बंगाल सी के बीच पर साल के हर समय आपको लोगों की भीड़ मिल जाएगी। आप इनमें से किस बीच पे जाना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं, और किसी दोस्त के साथ टूर प्लान करना है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।